एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, यानी कि विद्युतीय दोलन, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जब किसी आवेशित संधारित्र से किसी नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाले प्रेरकत्व में विसर्जित किया जाए तो परिपथ में दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार के दोलन को विद्युतीय दोलन या इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस तथा परिपथ के दोलनी विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ में उत्पन्न विद्युतीय दोलन को उत्पत्ति से व्याख्या इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है, एक दोलनी विद्युतीय परिपथ एलसी परिपथ को प्रदर्शित किया है, जिसमें एक संधारित्र सी तथा एक प्रतिरोध रहित प्रेरक कुंडली एल एक बैटरी के साथ कुंडली के द्वारा जुड़ी हुई है। सर्वप्रथम कुंजी के को दबाकर संधारित्र सी को आवेशित करते हैं। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो परिपथ में धारा शून्य हो जाती है। यदि पूर्णतः आवेशित होने पर संधारित्र पर आवेश Q0 हो तो इस समय उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा ½Q02C इसके बराबर होगा। अब कुंजी के को छोड़ते हैं तो संधारित्र में आवेश प्रेरकत्व कुंडली L में विसर्जित होने लगता है तथा परिपथ में वामावर्त दिशा में धारा बहने लगती है। जैसे ही यह धारा प्रेरकत्व कुंडली L के परिपथ में प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। जब धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम मान I0 हो जाता है तो संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संधारित्र पूर्णतः अनावेशित हो जाता है। प्रेरकत्व कुंडली L में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान ½LI02 होता है। प्रेरकत्व में धारा शीघ्र ही शून्य होने का प्रयास करता है। चुंबकीय क्षेत्र में घटने से प्रेरकत्व L में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो संधारित्र की प्लेटों को पहले से विपरीत दिशा में आवेशित कर देता है। इस चित्र में संधारित्र को पूर्णतः आवेशित हो जाने पर परिपथ में धारा पुनः शून्य हो जाती है। इस प्रकार से प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा पुनः संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब संधारित्र में आवेश पुनः प्रेरकत्व में विसर्जित हो जाता है, लेकिन इस समय विसर्जित होने की दिशा पहले ही विपरीत होती है। इस प्रकार संधारित्र के आवेशन अनावेशन की यह क्रिया बार बार होती है तथा एलसी परिपथ में विद्युत धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य तक घटती है और फिर दूसरी दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य तक घटती है। अतः परिपथ में धारा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर एक निश्चित आवृत्ति में प्रवाहित होती है। इस प्रकार परिपथ में विद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ विद्युत दोलनी परिपथ कहलाता है। परिपथ में उत्पन्न दोलनों की गणितीय विश्लेषण इस प्रकार से की जा सकती है। यदि संधारित्र पर क्यू आवेश है तो संधारित्र में विभव अंतर VC = Q/C। माना इस विभव अंतर के कारण प्रेरक कुंडली में I धारा बहती है। प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभव अंतर VL −LdIdt = VC, परंतु धारा I = dQ/dt, अतः −LD²Q/dt² = Q/C, यानी कि LD²Q/dt² + Q/C = 0 या D²Q/dt² + Q/CL = 0। यदि ω0 1√CL मान ले तो D²Q/dt² + ω02Q = 0। यह समीकरण सरल आवर्ती दोलक के अवकल समीकरण के समतुल्य है। अतः संधारित्र पर आवेश का मान आवर्ती रूप से परिवर्तित हो और एकांतर रूप से धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है। आवेश के परिवर्तन का आवर्तकाल T = 2π√LC, आवृत्ति N = 1/2π√LC। इस समीकरण को हल करने पर जो आता है Q = Q0 sin ωt + ϕ, ये इसका हल हमें प्राप्त होता है। परंतु जब T = 0 पर Q = Q0 तथा I = dQ/dt = 0 होता है, sin ϕ = 1 या ϕ = π/2। ϕ का मान समीकरण में रखने पर Q = Q0 sin ωt + ϕ/2= Q0 cos ωt। अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q0 तथा -Q0 के मध्य समीकरण द्वारा प्रदत्त आवृत्ति 1/2π√LC में परिवर्तन होता रहता है। परिपथ के समय में धारा I = dQ/dt = −ω0 Q0 sin ω0t, यह धारा भी सरल आवर्ती रूप में परिवर्तित होती है। एलसी परिपथ के रूप में दोलित्र की ऊर्जा संधारित्र पर समय t पर एकत्रित आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र में रूप में संग्रहित ऊर्जा U = ∫0 से लेकर Q तक VC dQ, ये हो जाएगा 0 से Q Q/C dQ = Q²/2C।
ये हो जाएगा 1/2c क्यू जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी। समय टी पर प्रेरक कुंडली पर धारा आई स्थापित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित ऊर्जा UM इज इक्वल टू VL IdT। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ LdIdt इसके लिमिट से जीरो से लेकर आई तक, ये होगा हाफ LI स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं UM इज इक्वल टू हाफ L ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T। वैद्युत दोलनों की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू UE प्लस UM इज इक्वल टू 1/2c क्यू जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ एल ओमेगा जीरो स्क्वायर क्यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी। 1/2c क्यू जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ एल इंटू 1/LC क्यू जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी, यानी कि क्यू जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। अर्थात वैद्युत दोलन में कुल ऊर्जा नियत रहती है। समीकरण से यह ज्ञात होता है कि LC परिपथ में आवेश के दोलन की आवृत्ति संधारित्र की धारिता C तथा प्रेरकत्व L के मानों पर निर्भर करती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो LC परिपथ में उत्पन्न दोलन एक निश्चित आयाम से अनंत समय तक होते रहेंगे, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यदि परिपथ में प्रतिरोध शून्य नहीं हो तो प्रत्येक दोलन में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, जिसके दोलन का आयाम समय के साथ लगातार घटता जाता है। ऐसी स्थिति में परिपथ में अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस उत्पन्न होते हैं तथा परिपथ में धारा अवमंदित दोलनी धारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट होती है। यदि परिपथ को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ देवें तो बाह्य स्रोत में परिपथ से प्रति चक्र उतनी ऊर्जा लगातार मिलती रहती है जितना एक चक्र में क्षय होता है, तो परिपथ में उत्पन्न दोलनों का आयाम नियत बना रहता है। LC परिपथ के दोलनों तथा स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलनों की समतुल्यता या इक्विवेलेंस ऑफ LC सर्किट ऑसिलेशंस विद ऑसिलेशंस ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। विद्युत दोलन LC परिपथ में उत्पन्न दोलकों की अवस्था में संधारित्र के संचित विद्युत ऊर्जा का प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा में तथा उसके विपरीत आवर्ती रूप में रूपांतरण होता रहता है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जब परिपथ में संपूर्ण ऊर्जा संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है, उस समय परिपथ धारा का मान शून्य होता है तथा जिस समय परिपथ में कुल ऊर्जा प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उस समय धारा का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार किसी स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान में निकाय के दोलनों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का द्रव्यमान की गणित गतिज ऊर्जा में तथा द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा के स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण आवर्ती रूप से होता रहता है तथा निकाय की संपूर्ण ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उस समय द्रव्यमान का वेग शून्य होता है। जब निकाय की संपूर्ण ऊर्जा द्रव्यमान में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, उस समय द्रव्यमान का वेग अधिकतम होता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि संधारित्र स्प्रिंग की तरह तथा प्रेरकत्व द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है, अर्थात संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम स्प्रिंग से दृढ़ता या स्टिफनेस के समतुल्य 1/c इज इक्वल टू k होता है तथा प्रेरकत्व द्रव्यमान का समतुल्य L इज इक्वल टू m है। इस प्रकार LC परिपथ तथा स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय की अन्य समतुल्य राशियों को इस सारणी में प्रदर्शित किया गया है। LC परिपथ और स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, पहला है क्रम प्रेरकत्व, वो द्रव्यमान के समतुल्य होता है। संधारित्र पर आवेश, वो द्रव्यमान का विस्थापन x, धारिता का व्युत्क्रम 1/c, स्प्रिंग की दृढ़ता का बल नियतांक k, परिपथ में धारा I इज इक्वल टू dq/dt, द्रव्यमान का वेग V इज इक्वल टू dx/dt, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -LdIdt, प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू -MdVdt, संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा हाफ q2/c, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हाफ kx2, प्रेरकत्व की चुंबकीय ऊर्जा हाफ Li2, द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हाफ mv2, दोलन आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/2π √1/c डिवाइड बाई L, ये हो जाएगा 1/2π √1/LC। तो दोलन आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/2π √km, अवमंदन परिपथ का प्रतिरोध के कारण अवमंदन माध्यम में श्यानता का कारण। इस प्रकार से LC परिपथ के दोलन स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय के दोलन के समतुल्य होते हैं। धन्यवाद।